हमारे बीच आज मौर्य सर हैं और ये आपको पूरा जैसे प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। थ्योरेटिकल तो आप लोग खुद भी रीड कर सकते हैं बट थ्योरेटिकल भी हमारा क्लासेज रहेगा। आज इनके पास जो एक्सपीरियंस है वो 15-17 साल का एक्सपीरियंस है और मौर्य सर से ही हम लोगों ने पिछले कल ये परचेज किए बी बॉक्स जो है। यहाँ आपको देहरादून में बी बॉक्स नहीं मिलेगा क्योंकि ऑफ सीजन चल रहा है ना, इसलिए बी बॉक्स नहीं मिलता है। तो मौर्य सर का ही ऑलरेडी एपेरी फार्म है और मौर्य सर लार्ज स्केल में इसको कर रहे हैं और खादी ग्राम उद्योग और बहुत सारे डिपार्टमेंट इनके साथ जुड़े हुए हैं जो मौर्य सर ट्रेनिंग भी देते हैं फार्मर्स को। और मौर्य सर का एपेरी जो फार्म है वो अलग अलग जगह जाता है, जैसे आपका राजस्थान, J&K और हरियाणा, बहुत डिफरेंट जगह जाता है। तो वहाँ से जो हनी आता है वो मार्केट में जाता है मौर्य सर का। तो रिक्वेस्ट करूँगा मौर्य सर को कि टाइम भी काफ़ी हो गया आपको, 10-15 मिनट आपको वेट करके हो गया, तो जो ऐसे लोग होते हैं उनका वेट ज़रूर करना होता है, ठीक है, जिनसे नॉलेज ज़्यादा लेनी होती थी। अब ये एक दो घंटा आपके साथ ही है, आप पूरा सब फोन साइलेंट करके रखिए क्योंकि बीच में ऐसे फोटोग्राफ्स ले सकते हैं बट आपको अंगेज नहीं कहीं होना है, ठीक है। तो मौर्य सर स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से लेके हम जाए? वेस्ट बंगाल, नेपाल, तमिलनाडु, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, वेस्ट बंगाल। देखिए सब स्टेट की जितने भी प्रदेश हैं हमारे, आवाज आ रही है, जितने भी प्रदेश हैं हमारे सबकी भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग है, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, अलग अलग तरह के फूल, कुछ कॉमन भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ फूल, कुछ मौसम, कहीं गर्मी ज़्यादा हो रही है, कहीं सर्दी ज़्यादा हो रही है, ये सब परिस्थितियां हैं। और ये सब मौन पालन हो या पशुपालन हो या कैसे भी किसी तरह की चीज़ें हों, उसमें सब काउंट करता है, ठीक है जी। आपका राजस्थान है, राजस्थान कौन है? आप हैं। मौन पालन में क्या, राजस्थान में सितंबर में, अक्टूबर में, अगस्त सितंबर में बाजरा होता है, होता है बाजरा। और का कौन से स्टेट में होता है बाजरा? यूपी में भी होता है, हरियाणा में भी होता है, ठीक है। इसके बाद मस्टर्ड दिसंबर, जनवरी, फरवरी, हरियाणा में भी होता है, हरियाणा कुछ इलाकों में शुरू में होता है, चाहे वो रेवाड़ी हो, कुछ उत्तर प्रदेश की तरफ, इधर थोड़ा लेट होता। और कौन सा है? तमिलनाडु, बंगाल, केरल से एक केरल तो स्वर्ग है भारत का। केरल की परिस्थितियाँ मैं जानता नहीं हूँ ज़्यादा वहाँ के बारे में, ठीक है जी। तो अब मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले तो हम आपको, ऐसी आवाज़ आ रही है मेरी? सबसे पहले तो मैं आपको सिर्फ मधुमक्खी के कितने प्रकार की मधुमक्खी होती है यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। उसमें अमूमन चार प्रकार की मक्खियाँ ऐसी हैं जो हमको प्रोडक्शन, जो मधु बनाती हैं, हनी बनाती हैं, वो चार प्रकार की होती हैं। चार प्रकार में जो एक हमारी भारतीय मक्खी है, एपिस सिरेना इंडिका, इसको इंडिका के नाम से पहचानते हैं, जानते हैं, ये पूरे भारत में पाई जाएगी, चाहे वो हमारा उत्तराखंड हो, चाहे आपका हरियाणा हो, चाहे आपका तमिलनाडु हो, चाहे आपका केरल हो। यह हमारी भारतीय मक्खी है जो कि इंसान के जीवन से पहले से ही चली आ रही है। जब से जीवन का शुरुआत हुई है मधुमक्खी, तब से ही चल रही है। और यह हमारे भारतीय मधुमक्खी, इसको भारतीय मधुमक्खी बोलेंगे, इसको बोलेंगे केवल डिब्बों में ही पाली जा सकती है। ओपन में ये पलेगी तो कितने दिन रहेगी ये उन पर निर्भर करता है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद इन्होंने ख़त्म हो जाना है। इनकी प्रवृत्ति होती है डिब्बे में पालने, इसको बोलते हैं शाही मक्खी। शाही मक्खी का मतलब कि इनको बढ़िया घर चाहिए, घर की आप साफ सफाई करोगे तो मधुमक्खी बहुत बढ़िया ढंग से रहेगी। अगर आप घर को साफ सफाई नहीं करोगे तो ये मधुमक्खी भी जंगली टाइप की हो जाएगी, अंदर गंदगी करेगी, घोंसले अपने छत्ते को मिला देगी बना बना के मोम से, तो उनके काम करने के स्पेस कम हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं शाही मक्खी। इसका टाइम होता है, जंगली मक्खी सुबह 5 बजे की निकल के चली जाएगी खाने के ढूंढने के लिए, मगर इसका एक निश्चित टाइम है।
सर्दियों में तो गर्मी, सर्दियों में निकलेगी 8-9 बजे करीब, जब उनको लगेगा आभास होगा कि अब थोड़ी सी सर्दी कम हो रही है। और गर्मियों में तो आदमी 5-4 बजे निकल जाता है। और इसके बाद एक मक्खी और होती है, उसको हम भुनगा बोलते हैं, भुनगा। आपके यहाँ क्या बोलते होंगे मुझको मालूम नहीं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ये क्या है, छोटी छोटी झाड़ियाँ होती है, उसमें लगाती है छत्ता, और बिल्कुल छोटी मक्खी होती है, काले रंग की होती है, जो आपको प्रिकॉशंस रखता है या अपने आप को बचाव रखता है, उसको बोलते हैं वीवेल। ये सर ने जो लगाया है इसको बोलते हैं वीवेल। मुंह रक्षक जाली भी बोलते हैं इसको हिंदी में। आपने लगा दिया तो आप भी सिर्फ देख सकते हैं, बाकी बीज अटैक नहीं कर सकती आपको। दूसरे ग्लव्स, ग्लव्स आपके होने चाहिए, क्योंकि आपको जब काट दिए तो झाड़ना नहीं पड़ता है, आपके अपने मूवमेंट पे रहना पड़ेगा। थर्ड होगा आपका ये, इसको हाइव टूल कहते हैं। जब भी आप कोई फ्रेम को खोलेंगे तो फ्रेम प्रोपोलिस से बिल्कुल जाम होती है। सबसे टॉप में प्रोपोलिस होता है, ब्लैक कलर का दिखाएगा हम लोग आपको, उससे बिल्कुल जाम होता है। तो उस टूल, उसको निकालने के लिए इसको यूज किया जाता है, उससे प्लग किया जाता है या उसे ऊपर उठाया जाता है। ये कट बना हुआ है इसमें, ये जरूरत रहती है। नाइफ भी रहता है, जब इसको प्रोपोलिस को निकालते हैं या हनी को निकालते हैं तो नाइफ की जरूरत भी पड़ती है। तो सबसे पहले सर को मैं बताऊंगा कि सर डब्बा किस स्टेज से कैसे खोलते हैं। ये मुंह रक्षक जाली, ठीक है, इसलिए जब हम इसको पहन के काम करेंगे, ये हमने पहन लिया। और सेकेंडली सर ने भी बताया होगा, कुछ भी जब अगर आपने बॉक्स के पास जाना है तो आपने कोई सेंट परफ्यूम नहीं लगाना है इनको, वो उससे एलर्जी है। इसका क्या काम है, मधुमक्खी ना, हम ऐसा काम कर रहे हैं तो हमारा सबसे ज्यादा पार्ट मधुमक्खी के नजदीक कौन सा है, फेस है। तो मधुमक्खी निकलेगी सीधा फेस पर अटैक करेगी, ठीक है ना। तो इसलिए हमको ये जोर बचाना है, रखना है। अगर आपने हाथ में ग्लव्स नहीं भी रखे तो देखते इसको बचाना है। नए नए बच्चे हो, किसी को काट लिया तो कल अगले दिन तक इतना बड़ा सिर, इतना बड़ा चेहरा हो जाएगा, ठीक है ना। हमें तो फर्क पड़ता नहीं, हम तो काट ले तो कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही रहते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये इसका मुंह है, जहाँ से मधुमक्खी ने जाना है आना है, इसका और कोई रास्ता नहीं है। ये इसका दरवाजा है, यहाँ से निकलेंगी, आएंगी, जाएंगी। इसका गेट यही है। ये आज मूवमेंट इसलिए कम कर रही है, ये कल लाई, ये कल रात को लाई है, ठीक है। ये कल तक क्या होगा, आज तो ऐसे बैठ रहे, कल तक तो ये सब मूवमेंट करती नजर आएंगी, निकल के जा रही हैं, आ रही हैं, से जा रही आ रही हैं। आज ये थोड़ा अपने इस नए जगह को ढूंढ रही हैं, आसपास वॉच करेंगी 100 मीटर 200 मीटर पर, जहाँ इनको फूल मिलेगा वहाँ मक्खी जाएगी, रस लेके आएगी और यहाँ आकर के ना एक डायरेक्शन देगी इनको, अपनी पूरी कॉलोनी को ना, बाहर गेट पर जो बैठे होंगे उनको डायरेक्शन देगी कि इतने दूर पर फूल हैं या पानी है या इस तरह की चीज़ें हैं। उसका क्या है, वो कुछ इनकी अपनी मुद्रा होती है, यह ये उनका अपना सर्किल होता है कि किस तरह से वो उनको समझाती हैं, ठीक है। अगर वो यूं घूम रही है, अगर वो बड़ा चक्कर 8 का यूं बना रही हैं तो थोड़ा दूर है, वो बढ़िया खूब सा ज़्यादा है मेटेरियल। अगर वो यूं घूम रही है तो मेटेरियल कम है, इस तरह से इनकी अपनी भाषा है, उसको आप धीरे धीरे बाद में सीख सकते हो। इसको ऐसे खोलना है, ठीक है, खोल के इसको ढक्कन को पीछे रख दीजिए, ठीक है। ये हम कल लाए थे, ये पैकिंग है, ये पैकिंग है। हंसे क्यों, क्यों हंसे? अच्छा, ये पैकिंग है। पैकिंग मीन्स कि हमने कहीं ले जाना होगा तो हम इसको ऐसे पैक कर देंगे और ये सारा एरिया बिल्कुल क्लोज हो गया। बोलो सर, जब लेके आ रहे थे सर उसका गेट खुला ही रहता था? नहीं नहीं, गेट लॉक किया जाता है, गेट बंद कर देते हैं। हाँ, बाहर से बंद कर देते हैं। इसका ट्रांसपोर्टेशन रात को ही कर सकते हैं, दिन को कर नहीं सकते। देखो अब तो खुले गेट भी ले जाते हैं, शाम को हम जैसे जाड़े में होता है
कि जाड़े में मक्खी 5-6 बजे अंदर ही रहती है, खुला भी रहती है। गर्मी में तो वो बाहर लटकी रहेगी गर्मी के कारण, जाड़े में जैसे वो अंदर चली गई तो शाम को ऐसे खुले गेट भर देती है। अब इसको क्या करना है, हमने ये क्यों रखा, हमने एक बार इसलिए रखा, आजकल ठंडा हो गया ठीक है, ये ऊपर पाला गिरता है, ऊपर टीम ठंडी होती है, इससे ठंड जाती है तो अखबार उसको कवर कर रहा है। और ये थोड़े दिन तक रखेंगे, मुश्किल से जनवरी के लास्ट महीने में या फरवरी शुरू में हटा देंगे। आपको जब भी डिब्बा खोलना है, सब लोग को मौका मिलेगा आने का, जब भी डिब्बा खोलना है आपने एकदम से झटके से नहीं खोलना है, प्यार से ठीक है, इसको यूं आराम से, अगर झटके से खोलेंगे मधुमक्खी को एकदम से रोशनी मिलेगी और अटैक करेगी वो। ठीक है जी, ये है अब मधुमक्खी अगर एग्रेसिव हो रही ज़्यादा तो ये है स्मोकर, इसमें हम कोई लकड़ी वगैरह या घास फूस डाल के ना इसको जलाएंगे, इसमें धुआं पैदा करेंगे, धुआं होगा तो इसका ऐसा मारेंगे तो मधुमक्खी थोड़ा शांत हो जाएगी, एग्रेसिव नहीं होगी, हमें काम करने में आसान होगा। तो ये स्मोकर बोलते हैं इसको, ये सब मधुमक्खी पालकों के साथ होता है, आप कोई काम करोगे तो आपके पास भी होना चाहिए। टूल, अब ये टूल कुछ नहीं है, लोहे का टुकड़ा है, मगर ये क्या है कि मधुमक्खी जब काम करती है ना तो परपोलिस से ऊपर बंद करती हैं साइड वाइड वगैरह, तो हम इसको करेंगे, इसको ऐसे हल्का सा हटा देंगे इससे लोहे से, यह है खाली छत्ता ठीक है, अभी मधुमक्खी ने इसमें कुछ काम नहीं कर रखा है, छत्ता बना रखा है। फिल्टर क्या होता है कि जब ऑफ सीजन होता है, आपको लगा कि फूल की कमी हो गई और आप कहीं ले जा नहीं पा रहे हो, तो हम इसको लगाते हैं, इसको हमने ये रख छत्ते के बराबर होता हमने रख दिया, और इसमें हमने जो भी हमने चीनी का पानी घोल के इसके अंदर डाल देते हैं और बंद करते हैं। मधुमक्खी बाहर जा रही, जितना फूल नेक्टर ला रही हैं, अगर उनको कमी पड़ेगी तो इससे ले लेंगी वो, तो खाना तो उनको लगातार चाहिए, तो इस फीडर में अगर कुछ रखा होगा तो इससे निकाल लेंगी, तो ये फीडर इस काम आता है, और ये ऑफ सीजन में ज़्यादा लगाना पड़ता है, बाकी सीजन में इसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये मधुमक्खी मध भी नहीं कर पाओगे, मधुमक्खी सर मैं बताता हूँ, अब ये देखिए इसमें कुछ नजर आ रहा है कुछ, आप भी देखिए कुछ नजर आया है, हाँ ये इसके अंडे हैं, अंडे के बाद जो इनका लार्वा होता है, रानी क्या है ना, रानी का साइज थोड़ा बड़ा होता है, रानी में देख रहा हूँ, रानी का साइज थोड़ा बड़ा होगा और एक ही होगी, यहाँ देखो यहाँ तुम पकड़ के रखना है, पकड़ के ड्रोन तो इनके हाथ में दे सकते हैं, चलो। हार्वेस्ट करते समय जिस फ्रेम में ज्यादा ब्रूडिंग होगी उसको छोड़ेंगे, या जिस फ्रेम में शहद नहीं होगा, जिसमें शहद होगा ब्रूडिंग कम होगी उसको।
500 रुपये किलो। अब मक्खी देखो, ये इसका है मक्खी, ये ना शायद इससे लेयर बन के चलता है। देख लो भाई, देखो ये देखो, देखो ये बारीक लेयर, बारीक से बारीक लेयर हो गई, ठीक है। ये देखो सर, कुछ नहीं दिख रहा है, मैं दिखाऊँ एक मक्खी में सोचते हैं। ये मक्खी आ गई है बहुत ज़्यादा, आती रहेंगी आती रहेंगी। हाँ बंद कर दो। ये पानी में डालो ना, मैंने ये सब नीचे आनी होगा पानी में, ठीक है ना। ये हाँ कलर ऊपर आ जाएगा। अब इसको हम इसको घोलेंगे तब घुलेगा, ये अभी पूरा ढंग से नहीं घुला है। अब घुला है देखो, ये समय चेक नहीं करा सकते मधुमक्खी से। 20 ग्राम एक तंदुरुस्त आदमी 20 ग्राम से 25 ग्राम शहद आराम से ले सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा जोत नहीं, क्योंकि इसमें इतनी चीज़ें हैं उससे पूर्ति हमारी हो गई है।